थोड़ा सा चेंज में है कॉन्सेप्ट सैमसंग के फ़ोन के अंदर, देखिएगा यहाँ पर जो पावर अभी तक हम लोग दे रहे थे वो पावर कहाँ से आ रहा था, पावर ऐसी से, अब यहाँ पे क्या कर दिया, एक LDO से अलग से पावर दे दिया गया 2.8 वोल्टेज। बात समझ में आई, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले डायरेक्ट पावर ऐसी से आ रहा था और इसमें क्या लगा दिया सैमसंग ने, LDO लगा दिया। और एक और चेंजमेंट, यहाँ पर इंटरप्ट की जो लाइन है उसमें क्या है, इन्होंने उसको भी पुल अप कर दिया गया, जबकि इससे पहले वाले जो सर्किट थी उसमें क्या था, ग्राउंड नहीं था, इंटरप्ट की लाइन पे पुल अप रजिस्टर नहीं लगा था। यहाँ पर 4.7 किलो ओम का रजिस्टर किस पे, कौन सी लाइन पे, इंटरप्ट की लाइन पे लगा दिया गया है। दो चेंजमेंट किए हैं, पावर के लिए एक LDO लगा दिया है और इंटरप्ट की लाइन पे एक 4.7 किलो ओम का पुल अप दे दिया है। एक और बनेगा एंड्रॉयड लेटेस्ट मॉडल, यहाँ पर क्या चेंजमेंट दिखा, क्या चेंजमेंट है, यहाँ पर दो वोल्टेज दे दिए हैं, कितने, एक दिया 3.0 और एक क्या है 1. और इससे पहले क्या था, एक ही वोल्टेज जा रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है, दो वोल्ट की लाइन आई है, बनाइए इसको, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके बनेंगे, ठीक है। सैमसंग में क्या था, एक LDO लगा था और इंटरप्ट की लाइन पे क्या था, एक पुल अप दिया था, यहाँ पर क्या दिया गया, दो पावर दे दिए गए। तो जहाँ पर भी टच लगी होगी वहाँ पर क्लॉक और डेटा रीसेट और इंटरप्ट की लाइन देखने को मिलेगी। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो हमने क्लॉक और डेटा के बारे में जाना, यानी कि I2C प्रोटोकॉल बेस देखने को मिला। अब यहाँ पर SPI किस पे मिलेगा, SPI वाला यानी देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर जो लाइनें होंगी वो कौन सी होंगी, नीजो, मोसी, चिप सिलेक्ट और क्लॉक और रीसेट और इंटरप्ट और क्या पावर। तो चलिए एक हम डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं। अच्छा बना है तो ठीक है, अच्छी बात है, बना है कोई दिक्कत नहीं। अब जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहा है, समझिए पहले लेटेस्ट फ़ोन के अंदर टच सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन, ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक ही सेक्शन दिया गया है, तो उसको थोड़ा कठिन लगेगा थोड़ा, अभी आगे समझाएंगे। और इसमें क्या है, ये जो फ़ोन है तो इसमें सेक्शन अलग अलग दे दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ मॉडल्स देखते हैं, 4G प्लस 5G पहले लाइनें देखते हैं, बाद में हम लोग इसकी ट्रेसिंग करते हैं। यहाँ पर एक हमने लिया, कौन सा मॉडल है ये, जियोनी, कोई 3G मॉडल है ये। यहाँ पर देखिएगा, एक आपकी क्लॉक है, एक क्या है डेटा है, और एक INT इंटरप्ट है, और एक रीसेट है, और दो पावर दिए गए हैं, एक 1.0 और एक कितना है 1.8। ओप्पो का एक मॉडल कोई देखते हैं, पहले 4G फिर देखेंगे 5G। A3S लाइनें पहले मैच कर लीजिएगा, क्लॉक, चिप सिलेक्ट, रीसेट और इंटरप्ट। अब एक आपकी 5G मॉडल देखते हैं, A56 ये है, ओप्पो A56 5G मॉडल है, और इसके अंदर भी लाइनें देखिएगा आप, सभी लाइनें कहाँ से आ रही हैं, CPU से, क्लॉक, चिप सिलेक्ट, नीसो, मोसी और इंटरप्ट और रीसेट, RST, अपनी कोडिंग को समझना है, और एक क्या दिया है, पावर दिया गया है। ये 5G मॉडल था। एक और मॉडल देखते हैं, 5G A74 5G, यही है, देखिए पहले, हाँ, मीसो, मोसी, क्लॉक, चिप, हाँ, चिप सिलेक्ट, इंटरप्ट और रीसेट, और ये VDD यानी कि वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन यानी पावर की लाइन। और देखें एक है F19 Pro 5G मॉडल, टच स्क्रीन, टेस्टिंग सभी की वैसी होगी जैसे मैंने आपको लिखवाई है। यहाँ पर क्या दिया गया है, हाँ, रीसेट और पावर, और इंटरप्ट वाली कहाँ गई, नहीं दी गई, रीसेट इंटरप्ट की लाइन हार्डवेयर पे नहीं दी गई है, जब इसका सर्किट देखेंगे वहाँ पर मिलेगी। ये कौन सा कंपोनेंट है भाई, कौन से हैं ये, MOSFET, ये MI देखते हैं, पहले एक 5G मॉडल देखते हैं, फिर हम लोग अपने वाले पे ट्रेसिंग करेंगे। पोको M3 Pro 5G टच स्क्रीन, सब लाइने दी गई, क्लॉक, हाँ, मीसो, मोसी, चिप सिलेक्ट और इंटरप्ट और रीसेट और एक पावर, यही लाइने सभी में काम करेंगी। अब चाहे आपकी
टच लैपटॉप में लगी हो, चाहे टच मोबाइल में लगी हो, चाहे टच वाली आती है जो स्कैन करने वाली फिंगरप्रिंट या टच वाली कोई डिवाइस है, वहाँ पर भी वही मतलब ये लाइनें आपको देखने को मिलेगी जहाँ जहाँ पर टच लगी। ये जो बोर्ड है डिजिटल वो टच वाला है और इसको चलाने के लिए भी इसके अंदर जो सीपीयू लगा है इसी प्रोटोकॉल से कंट्रोल करता होगा, ये तो I2C होगा या फिर SPI होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, छोटी वाली जो घड़ी आती ना ऐसे ऐसे करते घुमाते रहते हो उसके अंदर भी टच है, तो टच है तो मतलब ये लाइनें देखने को मिलेंगी मिलेंगी अगर रिपेयरिंग करोगे तो। चलिए अब हम लोग अपना वाला मॉडल लेते हैं ट्रेसिंग के लिए। हम लोग यहाँ पे सब कुछ सर्किट भी ट्रेस करेंगे और GR वैल्यू भी चेक। ये हमारा बोर्ड आ गया टच स्क्रीन का, सर्किट लेआउट और सर्किट। टच का चेक कहाँ पे है? ये लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी पूरी कुंडली हमको निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेआउट में पहले इसका नाम देखना पड़ेगा, यही तो है। तो भैया बताओ लेआउट में नाम इसका क्या है? J2301। कॉपी किया, लेआउट पे आए, सर्किट पे आए, राइट क्लिक पेस्ट फाइंड नेक्स्ट। तो ये हमारे पास आ गया टच स्क्रीन का जैक। कितने पिन है इसके अंदर? पाँच पाँच दस, यानी कि 10 पिने हैं इस जैक पे। पिन नंबर 1 क्या है? पिन नंबर 2 क्लॉक। पिन नंबर 3 पिन नंबर 4 वोल्टेज। पिन नंबर 5 फिर क्या है? 6 8 10 ये क्या है? ग्राउंड। 7 नंबर इंटरप्ट की लाइन है और 9 नंबर क्या है? रीसेट की लाइन है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं जैक पे, तो पॉइंट ये दिया गया है 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉक वाइज। तरीका बताया था मैंने, अगर ये यहाँ पे लिखा भी ना होता तो कैसे गिनेंगे एक के बाद पॉइंट से, यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉक वाइज समझाए थे बोला जैक। तो पिन नंबर 1 क्या है? ब्राउन। पिन नंबर 2 क्लॉक। पिन नंबर 3 डेटा, यही तो है। पिन नंबर 2 क्या है? क्लॉक। 3 नंबर क्या है? और 4 नंबर क्या है? वोल्टेज। ग्राउंड होगी, क्लॉक, डेटा और वोल्टेज। 6 नंबर ग्राउंड है और 8 नंबर और 10 नंबर। बची कौन सी? 7 और 9। 7 की कौन सी है? इंटरप्ट। और 9 की क्या है? रीसेट। एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं, ये वाली 2 नंबर क्या है? क्लॉक। 3 नंबर क्या है? डेटा। 4 नंबर क्या है? वोल्टेज। 7 नंबर INT इंटरप्ट और 9 नंबर RST रीसेट। अब हमें सबसे पहले क्या बताया था मैंने टेस्टिंग में, इन सभी पॉइंट्स पे क्या चेक करना हमें? GR वैल्यू, ठीक है। चलिए निकालिए मल्टीमीटर, चेक करिए GR वैल्यू, चेक कराइए। रेड प्रॉप ग्राउंड पे लगाइएगा और ब्लैक से जो है चेक होंगे। एक बार इधर देख लीजिए फिर करिएगा ताकि गलती ना हो। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे, रेड वाली कहाँ लगाएंगे? ग्राउंड। पिन नंबर 1 ग्राउंड है, ठीक है। दूसरी वाली कितनी GR आ रही? 400, हाँ 39। क्लॉक हो गई, डेटा, ठीक है। इसके बाद पावर, ठीक है। फिर इसके बाद ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड बीप कर रहा है ऊपर, एक छोड़ के ग्राउंड है, हाँ रीसेट, फिर ग्राउंड, हाँ। तो लगभग ये 400 450 के आसपास जो है GR वैल्यू आ रही है।